जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या नाम है भाई आपका? दीदार। दीदार। और ये माशाल्लाह बकरियां आपकी हैं? जी हाँ। इस तरफ और भी ये ये भाई कौन से नस्ल की हैं? बड्डी की। बड्डी जो पटेरी भी कहलाती हैं? पटेरी भी है, बड्डी भी है, कामोरी भी है, इसको ही बोलते हैं। अच्छा मिक्स्ड हैं सर। जी हाँ। और इनको नॉर्मली आप क्या खिलाते हैं? बेर है, बरसिंग है, लूसन है ये। अच्छा बेर बरसिंग। अभी अभी जिस तरह ये खा रही हैं, ये बेर के पत्ते खा रही हैं? बेर के पत्ते। तो अगर कोई शौकीन वगैरह शौक करना चाहे, मतलब कि ये बड्डी या पटेरी बकरियां लें, तो आप शौक कराएंगे अगर लेने आपसे आए? बिल्कुल कराएंगे ना। अच्छा इसमें अगर आपको मैं कहूँ कि सबसे अच्छी वाली कोई बकरी दिखाई है? अच्छा, वो दिखाए। अच्छे से अच्छी है ये, माशाल्लाह सही। इसको थोड़ा चलाइएगा, बड़े कानों वाली। वेरी गुड। तो अगर आपसे कोई साथी लेना चाहे तो ये आप कितने में बेचेंगे? अंदाजन कीमत या मार्केट कीमत क्या होगी? कम से कम 80,000। नहीं वो सबसे अच्छी बकरी भी है तो बनते तो हैं हमारे। हाँ और हम इस तरफ आते हैं। और जो अब ये वाली है, ये क्या कमोरी है? ये कमोरी है। अच्छा ये पट्ट है? कमोरी नहीं है। अच्छा नीच कमोरी नहीं है? नहीं है, उसके कलर की। तो ये अभी छोटी है, पट्ट है? क्या उम्र क्या होगी इसकी, कितने महीने? दो तीन चार माह। दो तीन के बड़ी होगी। अच्छा तीन चार महीने इस तरह कुछ? आठ नौ महीने की होगी। अच्छा आठ नौ महीने की होगी, ठीक है। तो ये कितने अरसे में तैयार हो जाती है, मतलब वो उसके ब्रीडिंग के लिए, फराने के लिए? मतलब कि एक साल तकरीबन? साल साल डेढ़ साल लग गया तो वो तैयार हो जाएगी। अच्छा ये बकरी भी अच्छी लग रही है। तो ये इसमें दूध ज़्यादा होता है क्या? ये जो स्थान अभी दूध नहीं है, अभी ढुकी है। अच्छा ये अभी ढुकी है। अच्छा माशाल्लाह। ये इसको कौन सा पेट है, मतलब कितने दफ़ा जम चुकी है, मतलब बच्चे एक दफ़ा बच्चे दिए? अब ये दूसरी दफ़ा होगा? ना अभी दूसरा नहीं है। हाँ अभी पहला ही है। अच्छा अभी पहला ही है, ये पट ही है? ये पट्टी है। हाँ माशाल्लाह। वो ये भी बड़ी खूबसूरत वो है, हेल्दी है, अच्छी है। और भाई मुश्किलात वगैरह क्या हैं आपको? मुश्किलात बस ये बरसात है। अच्छा उसमें बहुत परेशान होते हैं। और आप कह रहे थे कि सर्दियों में वो चारा नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है। अच्छा सर्दियों में घास वगैरह नहीं मिलता? मिलते। अच्छा चले। और जब बीमार होती है तब क्या करते हैं? बस इलाज करते हैं, सुई है, गोरी है। हाँ डॉक्टर को दिखाते हैं क्या? डॉक्टर को दिखा देंगे। यहाँ पर है करीब कोई डॉक्टर? यहाँ पर है। अच्छा मैं टनों के तो मिल जाता है वहाँ पे।
मोबाइल का नंबर है उसको फोन करते हैं। अच्छा मोबाइल पे आ जाए। नहीं ठीक है सर। और ये हमारा ब्रीडर कितने हैं आपके पास? वो सान कितने हैं आपके पास? एक है या दो है? अच्छा एक ही है ये। तो ये मतलब कि इसके भी बच्चे भी होंगे? बच्चे होंगे। तो ये कितने कितनों के लिए काफ़ी होता है? एक सान कितनी बकरियों के लिए होता है काफ़ी? ये कितनी भी होती है, 100 होती है। अच्छा 100-150 तक भी चला जाता है मतलब? चला जाता है। अच्छा तकरीबन ये कई होता है बकरी सारी एक दिन में नहीं लग जाती। हाँ वो ठीक है बारी बारी। हाँ अच्छा ये एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बकरियों के साथ वो कर लेता है ब्रीडर के तौर पे हो जाता है? तकरीबन 10-12 बकरी। अच्छा हो हाँ। हो जाए। अच्छा सान बन जाता है 10-12 बकरियों के लिए? माशाल्लाह फिर तो बहुत अच्छा है। ये इसके बच्चे, ये। अच्छा ये इसके बच्चे हैं जो ब्रीडर के सान के? हाँ हाँ माशाल्लाह अच्छा है। तो ये भी देख लें व्यूअर्स। अभी ये सारे बेर के पत्ते खा रही हैं। तो व्यूअर्स अगर किसी को कोई बकरी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। ओके व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।